खजूरी बिस्किट बनकर हो गए हैं तैयार, आप इनके क्रंच की आवाज भी सुन सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रंची हैं और मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत इजी रेसिपी है ये। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल जिंदगी आजकल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई एक भी वीडियो कल, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं डॉक्टर के पास गई थी और बीच बीच में मुझे जाना भी पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी खजूरी बिस्किट। तो बनाना शुरू करते हैं। आप सभी लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप सभी के लिए दिल से धन्यवाद। खजूरी बिस्किट बनाने के लिए मुझे क्या क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस कटोरी में मैंने ली है मैदा, मैदा है एक कटोरी, और साथ में यहाँ लिया है मैंने सूजी, गेहूं का आटा और सफेद तिल, और यहाँ पर लिया है मैंने गोले का बुरादा, और एक चम्मच सौंफ है, और यहाँ पर लिया है मैंने 4 बड़ा चम्मच घी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में है 6-7 ये इलायची, इनके हम बीज निकाल लेंगे और उन्हें दरदरा कूट लेंगे। तो करते हैं अब हम तैयारी अपना बिस्किट बनाने की, और साथ में पानी है इससे हम इसको मलेंगे। सूजी के बराबर ही यहाँ पर मैंने ली है पिसी चीनी, तो यहाँ मैंने डाला है एक कटोरी गेहूं का आटा, और साथ में लिया यहाँ पर सूजी और एक कटोरी मैदा। तो सभी का मेजरमेंट लगभग बराबर है, बराबर ही रखें आप अगर आप बनाए तो। और यहाँ पर जो मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है गोली का बुरादा, आप एक चम्मच और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको भी डाल दूंगी। और साथ में है तिल, जो कि इस बिस्किट के ऊपर दिखाई देंगे और टेस्टी भी लगेगा बहुत ज्यादा, इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे इसमें घी, मैंने ली है पिसी चीनी, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आपको ना आटा जो इस तरह होने लगे जैसे हम मुट्ठी बनाते हैं तो इस तरह हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप अगर सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पानी लें, पर ना तो इसको नॉर्मल पानी में अच्छे से मल लें, और आप इस तरह मलें कि ना तो ज्यादा टाइट हो ना ही ज्यादा पतला, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उस आटे से थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो मलते हैं अब इसको हम। तो यहाँ पर मैंने आटे को मलना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, तभी पता चले कि हमारा आटा ज्यादा पतला हो गया। तो ज्यादा पतले आटे की बिस्किट अच्छे भी नहीं बनेंगे, तो पानी डालते रहेंगे और आटे को मलते रहेंगे। यहाँ पर मैंने आटे को रख दिया था 20 मिनट के लिए, और आटा मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसमें सूजी पड़ी हुई थी तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है और अच्छे से ना मेल्ट हो गई है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं लूंगी इसकी आटे की लोई, तो कुछ हम इस इतनी बड़ी बड़ी लोई ले लेंगे, और मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसको हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरह इसको बेलना शुरू कर देंगे हाथ से ही। तो ये कुछ इस तरह होगा, जिस सिलेंडर टाइप इसको हम गोल करके ना इस तरह गोल कर लेंगे। कुछ इस तरह हम इस रोल को कर लेंगे और इसको इतना मोटा रहने देंगे। अब मैं इसके पीस कर लेती हूं, तो हमें इसके आड़े पीस करने हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ज्यादा ना तो मोटे पीस करने हैं और ना ही ज्यादा बारीक पीस करने हैं, और इस तरह हम पीस कर लेंगे। तो सभी पीस हमें इस तरह कर लेने हैं, और इनको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। तो कट करने के बाद हम सभी को इस तरह कर लेंगे, और सारे ही जो खजूरी वो हैं बिस्किट हैं इस तरह बना लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर बिस्किट डालने शुरू करूंगी। तो सभी को हम इस तरह छोड़ देंगे, और आपको मीडियम फ्लेम पर इनको सेकना है। हाई फ्लेम पर ऑयल करने के बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पर कर लें, और अब हम इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। एक तरफ से सिकने के बाद फिर इनको उल्टा पलटा लगा दें और अच्छे से इनको सेके जिससे कि अंदर तक सिक जाएं। तो खजूरी बिस्किट हमारे बन गए हैं, और अब मैं इनको उतार लूंगी। तो इनका कलर हो गया है ब्राउन, और इनको उतार लेते हैं एक प्लेट में। खजूरी बिस्किट बनकर हो गए हैं तैयार, आप इनके क्रंच की आवाज भी सुन सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रंची हैं और मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत इजी रेसिपी है ये। तो देखने में भी देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में भी, खाने में तो है ही है। मेरी वीडियो आपको आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।